ओके वेलकम बैक गाइस, स्वागत है कोई टिप्स एंड ट्रिक के एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। क्या बात है। ऑलराइट, तो मैं अगर आपको बोलूं आप कुछ इजी टिप्स को फॉलो करके आपका एक्यूरेसी भी व्हाइट ट्रिपल फोर राइट स्टार जैसे कर सकते हो, वो भी मोबाइल में, क्या आप मेरे बात को विश्वास करोगे? नहीं ना। चलो फिर मैं इसे आपको इसे पॉसिबल करके दिखाता हूँ। हाँ लिटरली गाइस, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका एक्यूरेसी 110% तक इंक्रीज होगा एंड आप लोग भी व्हाइट टेबल फोर एंड स्टार जैसा गेम प्ले कर पाओगे बहुत ही ज्यादा इजीली। ऑलराइट, तो एट फर्स्ट हम बात करेंगे हमारा मैजिकल सेंसिटिविटी के ऊपर, और इसे जानने के लिए हम सबको एट फर्स्ट ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना पड़ेगा एंड देन उसके बाद आप लोग थोड़ा सा मिड रेंज में आके 3 से लेकर 4 बुलेट फायर करना एंड देखना आपका अगर ऐसे ही रेड नंबर कनेक्ट हो रहा है तो फिर ठीक है, बट अगर आपका एक गोली छोड़ के दूसरा गोली या फिर तीसरा गोली हेडशॉट लग रहा है तो फिर भी कांग्रेचुलेशन, आपको बस थोड़ा बहुत टेक्निक के ऊपर फोकस करना है। बट अगर आपका 2-3 बुलेट फायर करने के बाद गोली रिकॉइल हो जाता है या फिर ओवर ड्रैग हो जाता है तो उस सिचुएशन में आप लोग आपका डीपीआई या फिर सेंसिटिविटी को थोड़ा कम कर लेना। बट अगर आप लोग जितना भी मर्जी गोली फायर कर लो आपका बॉडी में ही एम चिपक जाए तो उस सिचुएशन में आप लोग डीपीआई को यूज करके थोड़ा सा सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर लेना, और उसके बाद आप लोग अगर 50% हेडशॉट लग रहा है सही से तो बस आपका सेंसिटिविटी पूरा सेट है। और अभी आपको जानना है रियल टेक्निक जिससे आपका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इनहेंस कर सकते हो। ओके फाइन, आई होप गाइस आप लोग सेंसिटिविटी को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे एंड अभी हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंड क्वांटम हेडशॉट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो कि है फिक्स्ड एफपीएस ड्रॉपिंग प्रॉब्लम। आई नो कि बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि हेडशॉट के साथ एफपीएस का क्या फर्क पड़ता है। हाँ लिटरली गाइस, एफपीएस ड्रॉपिंग आपका हेडशॉट एक्यूरेसी एंड गेम प्ले में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कि कभी कभी आप लोगों को गेम खेलते टाइम अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा लैगी फील होता है और इस वजह से आपका ड्रैग हेडशॉट सही से लग ही नहीं पाता है और आप लोग अनफॉर्चुनेटली नॉकडाउन हो जाते हो। वेल, तो इस प्रॉब्लम को आप 3 सिंपल सा स्टेप फॉलो करके इजीली खत्म कर सकते हो। हाँ, अगर आप लोग बहुत ज्यादा डीपीआई बढ़ा के खेलते हो तो आपका ये प्रॉब्लम गारंटी होना ही है, तो आप लोग डीपीआई को एकदम से मिनिमम रखना ताकि इन फ्यूचर आपको ये वाला प्रॉब्लम बिल्कुल ही ना हो। और दूसरा है, आप अपना इन गेम में कॉस्ट्यूम पैक को डिलीट करके खेलना है। और आप लोग मुझे ये बोलोगे कि भाई मेरे पास ज्यादा रैम का मोबाइल है, 8 GB या 12 GB रैम का मोबाइल है तो मैं क्यों करूँ ऐसा, बट फिर भी आप लोग इस ट्रिक को एक बार ट्राई करके देखना। लिटरली गाइस, आप लोगों का एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा फर्क दिखने को मिलेगा। और एक्चुअली ये वाला टेक्निक को राइट स्टार, व्हाइट ट्रिपल फोर, स्मूथ ट्रिपल फोर, इवन मी एंड ई-स्पोर्ट्स के सारे प्लेयर ये वाला टेक्निक को यूज करता है। हाँ, तो इससे भी अगर आपका एफपीएस प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है तो बस आप एक सिंपल सा काम करना, आपको जब भी लगता है कि मेरा गेम बहुत ज्यादा लैगी फील हो रहा है या फिर आपका एफपीएस ड्रॉप हो रहा है, आप लोग बस गेम को एक बार मिनिमाइज करना एंड देन आप गेम में वापस चले जाना। मतलब आपको गेम को हटाना नहीं है मिनिमाइज से, आप लोग गेम को मिनिमाइज करना एंड देन गेम में फिर से वापस चले जाना एंड या इससे आपका प्रॉब्लम 110% तक सॉल्व हो जाएगा। ओके वेल, तो आई होप इसे आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे एंड अभी हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है ऑलवेज चूज अ राइट ट्रैक टेक्निक, क्योंकि जितना आपका बेस्ट टेक्निक होगा उतना स्मूथली आपका हेडशॉट लगेगा। और फ्री फायर में यूजुअली 2 टेक्निक को ही ज्यादातर प्लेयर प्रेफर करता है, एक जो है हमारा स्ट्रेट ड्रैग एंड दूसरा है हमारा रोटेशन ट्रैक, और इन दोनों में से सबसे ज्यादा मुश्किल है रोटेशन ट्रैक करना। मुझे पता है फ्री फायर में मैक्सिमम प्लेयर के पास एक लो एंड डिवाइस है जिससे रोटेशन ड्रैग करना लिटरली गाइस बहुत ज्यादा मुश्किल है, जैसे कि बिना स्टडी करे यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना, और उतना ही ज्यादा मुश्किल है रोटेशन ड्रैग को लो एंड डिवाइस में करना। बट मुझे मालूम है आप लोग लो एंड डिवाइस में भी एक बहुत ही ज्यादा अच्छा गेम प्ले निकाल लेते हो। तो इन सारे पॉजिटिविटी को लेकर हम सीखेंगे मैं एक्चुअली में इतना ज्यादा परफेक्टली कैसे रोटेशन ड्रैग को परफॉर्म करता हूँ। ओके वेल, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रोटेशन ड्रैग एक्चुअली कौन से रेंज पे वर्क करते हैं। हाँ, अगर आप लोग रोटेशन ड्रैग लॉन्ग रेंज में यूज करते हो तो लिटरली गाइस आप लोग बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। ओके वेल, तो अगर आप लोग एक मोबाइल प्लेयर हो तो आप लोग लॉन्ग रेंज एंड मिड रेंज इन दोनों रेंज में रोटेशन ड्रैग को इग्नोर करा करो, क्योंकि इसमें आपका ज्यादातर बुलेट रिकॉइल ही करेगा। तो रोटेशन ड्रैग हम लोग बेसिकली शॉर्ट रेंज के लिए यूज करते हैं एंड इससे हमें अच्छा बेनिफिट भी मिलता है, और आप लोगों को भी बेसिकली शॉर्ट रेंज में ही रोटेशन ड्रैग को यूज करना है। ओके ऑलराइट, तो यहाँ पे आप लोग मेरा एम को बहुत ही अच्छे से नोटिस करो, क्योंकि रोटेशन ड्रैग के लिए आपका एम के ऊपर फोकस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। As you can see, यहाँ पे जो मेरा एम है वो है बेसिकली व्हाइट एम, क्योंकि रोटेशन ड्रैग व्हाइट एम में ही ज्यादा अच्छे से लगता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रेड एम में नहीं लगता है, रेड एम में भी लगता है, बट एज कम्पेयर टू व्हाइट एम में ज्यादा अच्छा लगता है रेड एम से।
और रोटेशन ड्रैग के लिए बेसिकली आपका एम पोजीशन एनिमी के हेड के अराउंड ही होना चाहिए, और अगर आप लोगों का एम बॉडी के आसपास रहेगा तो लिटरली गाइस ड्रैग करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो रोटेशन ड्रैग के लिए आप लोगों का एम ऑलवेज हेड के अराउंड ही होना चाहिए, और रोटेशन ड्रैग को आपको बेसिकली बहुत ज्यादा स्पीड में करना है। अगर आप लोग स्लो ड्रैग करोगे तो आपका एम बॉडी में ही अटक जाएगा एंड आपका हेडशॉट नहीं लग पाएगा। तो इसके लिए आपको रोटेशन ड्रैग बहुत ज्यादा फास्ट करना है, और आप लोग सोचोगे फास्ट करना है बट कितना फास्ट करना है? हाँ, आपको स्टेट ड्रैग से 4-5 टाइम्स ज्यादा फास्ट करना है रोटेशन ड्रैग को। ऑलराइट, तो हमें एक नॉर्मली आइडिया मिल गया है रोटेशन ड्रैग कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, बट क्या एक आइडिया काफी है रोटेशन ड्रैग मारने के लिए? मुझे नहीं लगता, क्योंकि रोटेशन ड्रैग करने के लिए आपको रोटेशन ड्रैग का टेक्निक जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड इस वीडियो में मैं आपको ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निक शेयर करूंगा, लिटरली गाइस मैं बोल रहा हूँ, आई स्वेयर इसको यूट्यूब में अभी तक किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो या ऑलराइट, हमारा सबसे फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट टेक्निक है ड्रैग ऑलवेज राइट साइड। आई नो दैट कि इसे सुन के बहुत लोग कंफ्यूज तो जरूर होंगे, क्योंकि राइट साइड से क्या ड्रैग का मतलब है? हाँ, ये तो क्वेश्चन जरूर आएगा आप लोगों के मन में। एग्जैक्टली, कि राइट एंगल साइड से ही आपका ड्रैग का एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हद तक डिपेंड करता है। चलो फिर आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली इसे करने से आपका एक्यूरेसी कैसे बढ़ते हैं। ऑलराइट, यू कैन सी हियर, अगर हम लोग राइट साइड से रोटेशन ड्रैग करते तो वो कंपैरेटिवली इजी होता है लेफ्ट साइड से, क्योंकि आप लोग अगर लेफ्ट साइड से रोटेशन ड्रैग करने जाओगे तो वो सही से नहीं हो पाता है, और उस टाइम आपका एनिमी का हेडशॉट लगने के चांस बहुत ज्यादा हाई होता है। नहीं समझे ना? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पे मैं ग्लू वॉल लगा के राइट साइड से निकला हूँ एंड मुझे उसी टाइम ही एनिमी का लोकेशन पता चल गया है, बट एनिमी मुझे नहीं दिख पा रहा है, तो इसीलिए मैं जल्दी से पोजीशन बना के एनिमी के ऊपर ड्रैग कर दिया, बट मेरा फायर करने के बाद भी एनिमी सही से पोजीशन में ही नहीं आया और इधर मेरा हेडशॉट कनेक्ट हो गया। तो राइट साइड से निकल के ड्रैग करने में क्या फायदा है? एक तो आपको सबसे पहले एनिमी का विजिबिलिटी मिलता है एंड आप सबसे पहले पोजीशन में भी आ सकते हो एंड आपको ही सबसे पहले फायर करने का चांस मिलता है, एंड लिटरली गाइस ये फायर बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है। और हाँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे हम लोग कंटिन्यू गेम के अंदर राइट साइड में नहीं निकल सकते ना? हाँ एग्जैक्टली, आप लोग हर बार राइट साइड से नहीं निकल सकते, बट आपको सिचुएशन क्रिएट करना होता है ताकि एनिमी लेफ्ट साइड से निकले एंड आप राइट साइड से। एक पशु का नाम है ना, लड़ जरूर रहे पर यहाँ लगातार हेड हेड मार रहे भाई। ओके वेल, आप लोग अगर ये जानना चाहते हो गेम प्ले के अंदर आपके अकॉर्डिंग सिचुएशन कैसे क्रिएट करें, तो इसके लिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपको अगर हेडशॉट के लिए बेस्ट डीपीआई के बारे में जानना है तो मेरा ये वाला वीडियो जरूर देख सकते हो, और मैं आपको वहीं पे मिलूंगा। तब तक गाइस बाय।